नमस्कार साथियों, आज है 12 नवंबर। तो 12 नवंबर के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। खुद कराएगी स्वास्थ्य जांच के साथ मुफ्त उपचार, जिले भर में सरकारी स्कूलों के शिक्षक करेंगे स्क्रीनिंग। 4.25 लाख बच्चों की तीमारदार बनी सरकार। बोर्ड प्रशासन ने प्राप्त और आपत्तियों पर जारी किया स्पष्टीकरण। रीट अंतिम आवेदन के आधार पर जारी किया था परिणाम। एक से अधिक फॉर्म भरने वालों पर थी निगाहें। शाला दर्पण पर रहेगी विद्यार्थियों की स्वास्थ्य कुंडली। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सरकारी स्कूल के बच्चों का होगा इलाज। तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक पदों पर शीघ्र होगी पदोन्नति। नहीं मिल रहा बेरोजगारी भत्ता, पुरानी स्कीम बंद हुई, नई को मंजूरी बाकी। IIT और NIT काउंसलिंग 2021 फिजिकल की जगह होगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग। और CBSE काउंसलिंग के लिए सभी हैं योग्य उसमें। NS 2021 बच्चों का बौद्धिक स्तर मापने के लिए जिले में 208 विद्यालयों में आज होगी परीक्षा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय करवा रहा आयोजन। शाला दर्पण पर रहेगी विद्यार्थियों की स्वास्थ्य कुंडली। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सरकारी स्कूल के बच्चों का होगा इलाज। पहली बार सितंबर के बजाय नवंबर में होगा शिक्षक सम्मान। स्कूलों को किसान पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन, तभी मिलेगी छात्रवृत्ति। विश्वविद्यालय कॉलेज में नहीं है कौशल आधारित कोर्स। मौजूदा दौर में युवाओं को नहीं मिल पा रहा पारंपरिक पाठ्यक्रमों से रोजगार। कुछ लोगों के लिए लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। रीट भर्ती 2021 कथित पेपर लेखक मामले में बोर्ड और सरकार ने जवाब पेश किया। कोडिंग और डाटा साइंस के गुर सीखेंगे शिक्षक। CBSE ने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से मिलाया हाथ। टर्म 1 परीक्षा नहीं डालेगी खेल में खलल। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले छात्र नहीं होंगे प्रभावित। अब तक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर दोबारा परीक्षा ली जाएगी। तो आज के समाचार यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।